हम पढ़ रहे हैं मोशन इन ए प्लेन। टॉपिक है प्रोजेक्टाइल मोशन। और बच्चों हम पढ़ रहे हैं प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन इंक्लाइंड प्लेन। बच्चों ये कोई आपका इंक्लाइंड प्लेन है जो कि हॉरिजेंटल से बीटा डिग्री बनाता है। और बच्चों इस इंक्लाइंड प्लेन पर किसी ऑब्जेक्ट को इनिशियल वेलोसिटी यू से प्रोजेक्ट किया जाता है। और बच्चों कंसीडर किया कि इस ऑब्जेक्ट का हॉरिजेंटल से एंगल ऑफ प्रोजेक्शन अल्फा है। और बच्चों ये ऑब्जेक्ट इस इंक्लाइन प्लेन पर बी पॉइंट पर टकराता है। तो बच्चों हमें इस ऑब्जेक्ट की मोशन का टाइम ऑफ फ्लाइट और इंक्लाइन प्लेन पर ओ से बी तक की डिस्टेंस यानी इंक्लाइन प्लेन पर हमें ये रेंज फाइंड आउट करनी है। तो बच्चों इसको आप बहुत ध्यान से समझेंगे। अच्छा बच्चों ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग ही रहा होगा। तो बच्चों देखिए ये एंगल आपका बीटा है और अगर मैं इस लाइन को कम्प्लीटली नीचे तक लेके आऊँ तो ये 90 डिग्री होगा। तो बच्चों ये देखिए ये जो एंगल है आपका ये आपका 90 माइनस बीटा होगा। और बच्चों अगर इस पॉइंट पर मैं इस प्लेन के परपेंडिकुलर एक लाइन ट्रेस करूं तो बच्चों ध्यान से देखिए ये पूरा एंगल जो है 90 डिग्री होगा। दिस इज द 90 माइनस बीटा। तो बच्चों ये जो एंगल है आपका ये आपका बीटा होगा। बच्चों एक पॉइंट में पहले आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं कि बच्चों ये कोई वेक्टर क्वांटिटी है और जिसका की मैग्नीट्यूड वी है। और बच्चों ये आपका एंगल थीटा है तो बच्चों थीटा के अलोंग इसका जो वेक्टर क्वांटिटी का कंपोनेंट दैट इज द वी कॉस थीटा। और बच्चों इसके अपोजिट साइड में यानी ये जो एंगल है ये 90 माइनस थीटा होगा तो इस साइड में जो कंपोनेंट है इस वेक्टर क्वांटिटी का दैट इज द वी साइन थीटा। तो बच्चों एसेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है तो हम बोल सकते हैं ये ग्रेविटेशनल एसेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है। तो बच्चों इस ग्रेविटेशनल एसेलरेशन का इस प्लेन के परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट होगा सो दैट इज द जी कॉस बीटा। और बच्चों इस प्लेन के अलोंग जो कंपोनेंट होगा तो बच्चों देखिए ये एंगल आपका 90 माइनस बीटा है तो बच्चों इस प्लेन के अलोंग जो कंपोनेंट होगा दैट इज द जी साइन बीटा। अब बच्चों हम इस पॉइंट को देखते हैं जहां पर बच्चों ये जो अल्फा है दैट इज द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ये आपका हॉरिजेंटल से है। और बच्चों ये एंगल बीटा है तो बच्चों ध्यान से देखिए इस प्लेन से एंगल ऑफ प्रोजेक्शन यानी इस प्लेन के रेस्पेक्टिवली जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन होगा बच्चों दैट इज द एल्फा माइनस बीटा। यानी बच्चों एंगल ऑफ प्रोजेक्शन विद रेस्पेक्ट टू दिस प्लेन सो दिस इज द एल्फा फ्रॉम हेयर दिस इज द बीटा सो दिस इज द एल्फा माइनस बीटा। तो बच्चों हम डिस्कस करेंगे अब कंपोनेंट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी अलोंग द प्लेन। तो बच्चों देखिए तो बच्चों ये आपकी वेलोसिटी यू है और बच्चों देखिए ये एंगल जो आपका है ये आपका एल्फा माइनस बीटा है। तो बच्चों अलोंग द प्लेन कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी सो बच्चों दिस इज द यू एंड दिस इज द एल्फा माइनस बीटा। तो इनिशियल वेलोसिटी का आपके प्लेन के अलोंग जो कंपोनेंट होगा दैट इज द यू कॉस एल्फा माइनस बीटा। बच्चों देखिए ये वेलोसिटी यू है और ये एंगल आपका एल्फा माइनस बीटा है। तो बच्चों प्लेन के अलोंग जो वेलोसिटी का कंपोनेंट है दैट इज द यू कॉस एल्फा माइनस बीटा। अब बच्चों कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू द प्लेन। बच्चों देखिए ये एंगल आपका एल्फा माइनस बीटा है और इस प्लेन के परपेंडिकुलर कंसीडर किया कि ये इस प्लेन के परपेंडिकुलर है दैट इज द ओ एन। और बच्चों इस परपेंडिकुलर के अलोंग हमें इस इनिशियल वेलोसिटी का कंपोनेंट फाइंड आउट करना है। तो बच्चों देखिए प्लेन के अलोंग जो वेलोसिटी का कंपोनेंट है ये यू कॉस एल्फा माइनस बीटा है। बच्चों ये एंगल आपका एल्फा माइनस बीटा है तो बच्चों इस इनिशियल वेलोसिटी का जो कंपोनेंट प्लेन के परपेंडिकुलर होगा तो बच्चों ये होगा आपका यू साइन एल्फा माइनस बीटा। बच्चों मैं इस टॉपिक को आपको बहुत धीरे धीरे समझा रहा हूँ क्योंकि आपने अभी तक की
की क्लासों में इस तरह के कॉन्सेप्ट नहीं पढ़े हैं तो बच्चों इस वीडियो को आप कम से कम 2 या 3 बार जरूर देखें। तो बच्चों इस ऑब्जेक्ट की मोशन की एनालिसिस बच्चों में इस प्लेन के एलोंग देखता हूँ। बच्चों इस प्लेन के एलोंग मैंने एक्स एक्सिस कंसीडर किया और इस प्लेन के परपेंडिकुलर मैंने वाई एक्सिस कंसीडर किया। तो बच्चों हमें पता है कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस 90 डिग्री पर हम पहले ही कंसीडर कर चुके हैं। तो बच्चों देखिए जो एंगल बिटवीन दीज टू एक्सिस 90 डिग्री ही है। बच्चों इस प्लेन को मैं अब जरा हॉरिजेंटली कंसीडर करता हूं और इस ऑब्जेक्ट की मोशन के जो भी पैरामीटर हैं मैं इस प्लेन के एलोंग देख रहा हूं। तो बच्चों देखिए हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी एलोंग द प्लेन या एक्स एक्सिस यानी जो कंपोनेंट वेलोसिटी का जो इस प्लेन के एलोंग है दैट इज द यू कॉस एल्फा माइनस बीटा। और जो बच्चों इस प्लेन के परपेंडिकुलर जो वेलोसिटी का कंपोनेंट है दैट इज द यू साइन एल्फा माइनस बीटा। सो बच्चों परपेंडिकुलर कंपोनेंट एलोंग दिस प्लेन ऑफ इनिशियल वेलोसिटी दैट इज द यू साइन एल्फा माइनस बीटा। अब बच्चों देखिए आप ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन सो दिस इज द जी कॉस बीटा। तो बच्चों इस प्लेन के परपेंडिकुलर जो आपका ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का जो कंपोनेंट है दैट इज द जी कॉस बीटा। एंड अलोंग द प्लेन कंपोनेंट ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन दिस इज द जी साइन बीटा। और बच्चों ये जी साइन बीटा डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो हम लिख सकते हैं दिस इज द जी साइन बीटा। यानी बच्चों अब हम इस ऑब्जेक्ट की मोशन को इस प्लेन के एलोंग देख रहे हैं। मैंने सिंपलिसिटी के लिए इस प्लेन को हॉरिजॉन्टल कंसीडर कर लिया है और जो भी मोशन के पैरामीटर हैं बच्चों वो मैंने इस प्लेन के एलोंग देखे हैं। तो बच्चों अब आपकी जो मोशन की एनालिसिस है वो बहुत ही सिंपल हो चुकी है। फर्दर डिस्कशन के लिए अब हम नेक्स्ट सीट पर चलते हैं। तो बच्चों अब हम फाइंड आउट करेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट। यानी बच्चों इस ऑब्जेक्ट को ओ पॉइंट से बी पॉइंट तक पहुंचने में लगा समय। तो बच्चों इस प्लेन को मैंने हॉरिजॉन्टली कंसीडर किया है और मोशन के जो भी पैरामीटर थे वो मैंने बच्चों इस प्लेन के एलोंग कंसीडर किए हैं। बच्चों देखिए एलोंग द प्लेन कंपोनेंट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी दिस इज द यू कॉस एल्फा माइनस बीटा। Along the plane, gravitational acceleration in opposite direction, that is the u cosine beta. और बच्चों जो perpendicular component हैं that is the u sine alpha minus beta. बच्चों ये initial velocity का perpendicular component है और जो gravitational acceleration का component along this plane perpendicular to this plane, so this is the g cos beta. अब बच्चों इस object की motion को हम प्लेन के रेस्पेक्टिवली देखते हैं। तो बच्चों देखिए इस प्लेन के रेस्पेक्टिवली वर्टिकल डायरेक्शन में इस ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट 0 है। यानी बच्चों ये ओ पॉइंट और बी पॉइंट सेम प्लेन पर हैं। तो इस प्लेन के अलोंग अगर बच्चों हम वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट देखें तो बच्चों वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट आपका 0 है। यानी बच्चों अगर मैं इसको एक्स एक्सिस कंसीडर करूँ और इसको मैं वाई एक्सिस कंसीडर करूँ तो बच्चों इस O पॉइंट के और इस B पॉइंट के जो Y एक्सिस के कोऑर्डिनेट होंगे बच्चों वो 0 होगा। यानी Y इस O पॉइंट पर भी 0 है और Y इस B पॉइंट पर भी 0 है। तो बच्चों वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट के लिए हम इक्वेशन यूज कर सकते हैं एस Y दैट इक्वल टू यू Y इंटू टी प्लस हाफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर। तो बच्चों एस वाई की जो वैल्यू है दिस इज 0 एंड यू वाई दैट इक्वल टू यू साइन एल्फा माइनस बीटा। एंड बच्चों ए वाई की हम बात करें एक्सेलरेशन इन वर्टिकल डायरेक्शन सो बच्चों दिस इज द जी कॉस बीटा। और क्योंकि बच्चों डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो बच्चों इसको लिख सकते हैं हम माइनस का जी कॉस बीटा।
और हमें टाइम ऑफ फ्लाइट टी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो बच्चों ये सारे पैरामीटर मैं इस इक्वेशन में पुट करता हूँ। सो एस वाई इक्वल टू जीरो, सो दिस इज द यू साइन एल्फा माइनस बीटा इंटू टी प्लस हाफ ए वाई, सो दिस इज द माइनस जी कॉस बीटा इंटू टी स्क्वायर। बच्चों मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ। सो फ्रॉम हेयर यू साइन एल्फा माइनस बीटा एंड दिस इज द माइनस वन अपॉन टू जी कॉस बीटा इंटू टी, एंड आपने बच्चों यहाँ से टी कॉमन लिया है, सो दिस टी इक्वल टू ज़ीरो। तो बच्चों जहाँ से हम टी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, तो बच्चों केयरफुली देखिए, जहाँ पर आपकी दो क्वांटिटीज़ का, दो फिजिकल क्वांटिटीज़ का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, दिस क्वांटिटी इंटू टी। तो बच्चों जहाँ से हम देखेंगे, जब दो क्वांटिटीज़ का मल्टीप्लाई होके जीरो आ रहा है, तो बच्चों या तो ये पूरी क्वांटिटी जीरो होगी या ये टी जीरो होगा। तो बच्चों फ्रॉम हेयर टी इक्वल टू जीरो और यू साइन एल्फा माइनस बीटा माइनस हाफ जी कॉस बीटा इंटू टी दैट इक्वल टू जीरो। तो बच्चों टाइम तो जीरो हो नहीं सकता, क्योंकि बच्चों इस ऑब्जेक्ट को ओ पॉइंट से बी पॉइंट तक पहुंचने में कुछ ना कुछ समय तो लगा ही होगा। सो टी कैन नॉट बी जीरो, सो दिस टर्म इज जीरो। तो बच्चों जहां से हम इस टी की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं, तो बच्चों फ्रॉम हेयर वी कैन राइट वन अपॉन टू जी कॉस बीटा इंटू टी दैट इक्वल टू यू साइन एल्फा माइनस बीटा। सो फ्रॉम हेयर दिस टी इक्वल टू यू साइन एल्फा माइनस बीटा अपॉन जी कॉस बीटा। तो बच्चों ये टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए आपका एक्सप्रेशन आ चुका है। तो बच्चों टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए एक्सप्रेशन है टू यू साइन एल्फा माइनस बीटा अपॉन जी कॉस बीटा। अच्छा बच्चों, अगर ये बीटा जीरो हो, तो बच्चों फिर आपका वो सिंपल केस होगा जिसमें आप प्रोजेक्टाइल को हॉरिजेंटल पर थ्रो कर रहे हैं। यानी बच्चों इस प्लेन का एंगल अगर बीटा जीरो हो जाए, तो बच्चों वो सिंपल केस होगा जब आप प्रोजेक्टाइल को हॉरिजेंटल पर थ्रो कर रहे हैं। तो बच्चों इस इक्वेशन में हम बीटा की वैल्यू जीरो पुट करके देखते हैं, तो बच्चों टी इक्वल टू टू यू साइन दिस इज द एल्फा अपॉन जी कॉस जीरो, और कॉस जीरो की वैल्यू बच्चों वन होती है। तो बच्चों ये आपका सिंपल टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला आ चुका है, जिसमें कि एंगल ऑफ प्रोजेक्शन अल्फा है। यानी बच्चों हॉरिजॉन्टल से अगर अल्फा एंगल पर किसी ऑब्जेक्ट को यू इनिशियल वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया जाता है, तो बच्चों उसके टाइम ऑफ फ्लाइट का जो फॉर्मूला है दैट इज द टू यू साइन अल्फा अपॉन जी। और बच्चों उसी ऑब्जेक्ट को अगर इंक्लाइन प्लेन पर, जिसका कि एंगल बच्चों हॉरिजॉन्टल से बीटा है, तो बच्चों उसका टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला होगा बच्चों आपका टू यू साइन एल्फा माइनस बीटा अपॉन जी कॉस बीटा। अब बच्चों हम इस इनक्लाइन प्लेन पर रेंज के लिए एक्सप्रेशन फाइंड आउट करेंगे। तो बच्चों हमें फाइंड आउट करना है ये ओ बी। तो बच्चों इसके लिए अब हम नेक्स्ट शीट पर चलते हैं। तो बच्चों इस ऑब्जेक्ट को अल्फा एंगल से, यानी हॉरिजेंटल से अल्फा एंगल पर इनिशियल वेलोसिटी यू से थ्रो किया जाता है, और बच्चों ये प्लेन का एंगल बीटा है, ये ऑब्जेक्ट इस प्लेन पर बी पॉइंट पर टकराता है। तो बच्चों हमें दिस ओ बी डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, यानी इस प्लेन पर जो रेंज अचीव की है इस ऑब्जेक्ट ने, वो हमें फाइंड आउट करनी है। तो बच्चों इस प्लेन पर टाइम ऑफ फ्लाइट का जो फॉर्मूला हमने फाइंड आउट किया था वो ये था बच्चों। अब बच्चों हम इस इनिशियल वेलोसिटी का कंपोनेंट अगर इस हॉरिजेंटल के अलोंग देखें बच्चों, प्लेन के अलोंग ना देख के हॉरिजेंट के अलोंग देखें, तो बच्चों दिस इज द यू कॉस एल्फा, क्योंकि बच्चों एंगल ऑफ प्रोजेक्शन विद हॉरिजेंटल एल्फा है।
तो बच्चों अगर मैं इस ट्राइंगल को देखूं ओ बी ए, सो इन दिस ट्राइंगल कॉस बीटा दैट इक्वल टू, तो बच्चों दिस कॉस बीटा दैट इक्वल टू दैट इज द ओ ए अपॉन ओ बी, सो दिस इज द ओ ए अपॉन ओ बी, सो फ्रॉम हेयर दिस ओ बी दैट इक्वल टू cos this OB equal to OA upon cos beta. तो बच्चों ये जो OB है ये आपका इस inclined plane पर रेंज होगी, so range on inclined plane that is the OB, so this is the OA upon cos beta. और बच्चों OA आपकी ये डिस्टेंस है. अब बच्चों मैं इस ऑब्जेक्ट की मोशन को हॉरिजेंटल के अलोंग देखता हूं. अगर बच्चों ये प्लेन को मैं हटा लूं या ये प्लेन नहीं होता तो ये ऑब्जेक्ट एयर में कुछ इस तरह से मूव करता, यानी बच्चों ऑब्जेक्ट आपका इस तरह से प्रोजेक्टाइल मोशन परफॉर्म करता और ये ऑब्जेक्ट इस बी पॉइंट पर पहुंचता. तो बच्चों हॉरिजेंटल के रेस्पेक्टिवली हमें पता है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा और हॉरिजेंटल डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है, तो बच्चों इस ऑब्जेक्ट की हॉरिजेंटल डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट रहेगी. और बच्चों ये ऑब्जेक्ट इस ओ पॉइंट से बी पॉइंट तक टी टाइम में पहुंचता है, यानी बच्चों इस ओ पॉइंट से बी पॉइंट तक ऑब्जेक्ट टी टाइम में पहुंचता है. और बच्चों अगर मैं सिंपली दिस ओ ए को देखूं, सो दिस ओ ए दैट इक्वल टू horizontal component of velocity, so this is the u cos alpha into t. तो बच्चों जहां से हम this OA की value find out कर सकते हैं, तो range OB that equal to OA, so this is the u cos alpha into t upon cos beta. और बच्चों t की वैल्यू मैं यहाँ पर पुट कर सकता हूँ, सो दिस t इक्वल टू यहाँ पे वैल्यू बच्चों आपने पुट की, सो दिस इज द 2u साइन अल्फा माइनस बीटा अपॉन g कॉस बीटा. सो बच्चों रेंज ऑन इंक्लाइन प्लेन, सो दिस इज द OB. तो बच्चों इसको मैं सिंप्लीफाई करता हूँ, तो दिस इज द 2u स्क्वायर साइन अल्फा माइनस बीटा इंटू कॉस अल्फा अपॉन जी कॉस स्क्वायर बीटा. तो बच्चों इस एक्सप्रेशन को आप बहुत ध्यान रखेंगे. अच्छा बच्चों अगर ये एंगल बीटा अगर जीरो हो जाए, यानी इफ बीटा इक्वल टू जीरो देन आर दैट इक्वल टू 2u स्क्वायर साइन अल्फा कॉस अल्फा अपॉन जी, और बच्चों कॉस बीटा की वैल्यू आपकी कॉस जीरो की वैल्यू वन होती है, सो दिस इज द वन. तो बच्चों जहां पर ये आपको हॉरिजेंटल प्लेन पर रेंज का फॉर्मूला मिलेगा, सो फ्रॉम हेयर दिस आर इक्वल टू u स्क्वायर साइन 2 अल्फा अपॉन जी. यानी बच्चों ये सिंपल केस है जब ऑब्जेक्ट को हॉरिजेंटल से अल्फा एंगल पर थ्रो किया जाता है, तो बच्चों रेंज का जो फॉर्मूला हमने पहले ड्राइव किया था ये हमें वो सेम फॉर्मूला मिल रहा है, आर इक्वल टू यू स्क्वायर साइन टू अल्फा अपॉन जी अगर बच्चों ये बीटा आपका जीरो हो जाए. तो बच्चों इस वीडियो लेक्चर को आप कम से कम दो या तीन बार जरूर देखेंगे. ओके बच्चों.